तो कुछ खाने पीने का सीन बनाया है, तो खाने पीने जा रहे हैं, सारे रेडी हो रहे हैं, आई एम ऑल सेट। मुझे गाड़ी निकालनी है, गाड़ी निकाल के सीधा जा रहे हैं जामा मस्जिद। देखो इनकी लड़ाइयाँ चल रही है आपस में एक दूसरे को। लेट लेट भाई, बहुत लेट लगी हो यार तुम लोग। वीडियो बना दो। ये देखो मैं सबसे पहले आया हूँ भाई। ये सबसे पहले आया है जो सबसे पहले चला गया था। खैर भाई मैं काम से गया था ना, तो हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। वहाँ पे आपको हम एक बहुत ही बढ़िया डिश दिखाएंगे जो हम खाने वाले हैं, और आप सब भी जाइएगा। डिश अभी के लिए अभी मैं रिवील नहीं करूँगा क्या डिश है, वहाँ पे जाके दिखाऊंगा और वहाँ पे जाके आप देखिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, फॉर दोज हु आर चिकन लवर्स। शी इज़ ऑल सेट इन दिस Indian attire. She is looking nice as always. चलो गाइस तो मिलते हैं और चलते हैं। तुमसे बड़ा ना गंदा आदमी नहीं है कोई ऐसा। जिनकी लड़ाई चल रही है, लड़ाइयाँ देखो, लड़ाइयाँ देखो। तुम इंसान हो कबूतर हो, यानी रेडी हो जाऊँ टाइम पे। मैं रेडी हूँ। चलो मुँह यार। चलिए वहाँ पे चिकन मिलाई टिक्का खाएंगे। दुकानें बंद हो जाएंगी तो क्या खाएंगे? हम हर चीज एंड टाइम पे करते हैं, मतलब हाँ। और क्योंकि जहाँ हमें जाना है ना, हम ऑलरेडी लेट है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, लेट लतीफ हो तुम। तो जहाँ हमें जाना है वहाँ पे हम ऑलरेडी मतलब लेट क्या है, ऐसे अगर हम आधे घंटे में नहीं पहुंचे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो हम जल्दी से जाते हैं, तो चलते हैं जल्दी से वहाँ पे, चल के मिलते हैं वहाँ पे आपको। ट्रेन भी छोड़ गई तुम्हारे चक्कर में मेरी। मैं तो चला नहीं जाता। तुम तो फिर भी लेट लतीफ है इन लोगों के साथ। इसको मारो, तुम बोलोगे इसको मारूंगा। मेरे भाइयों चलो सारे के साथ, लेट्स गो। भाइयों एक्सक्यूज मी, इनको बोला है मैंने, मेरे भाइयों एंड मेरे पति। ओके बाय। हमेशा लेट कराया करो तुम। बस बस हो गया। बस शूज पहन लो खाली, फिर चल रहे हैं। वैसे मैंने लेट कराया नहीं है ज्यादा आपको, है ना? मेरी वजह से कोई लेट होता नहीं है। मैंने बालों में ड्रायर भी नहीं मारा, वेब भी नहीं लगाई। मैंने कुछ नहीं किया अपने बड़े भैया के लिए बस। चलो चलो आते भाई। क्या कर रहे थे भाई? मैं बस हल्की सी वेब लगाने गया था और कुछ नहीं कर रहा था मैं। उतर आया ना औकात पे। नीचे जाके याद आता है कि वॉलेट ही रह गया। ये सारे काम एंड मोमेंट पे याद क्यों होते हैं इन सबको। चलो या मेरे लिए रुकना, मेरे भाई ने लिफ्ट रोकी मेरे लिए, मेरे बड़े भाई ने लिफ्ट रोकते हैं मेरे लिए। मैंने सिर्फ मैंने बड़े भैया के लिए लिफ्ट रोकी, और कोई होता तो मैं जा चुका होता अब तक। झूठ बोल रहा है। गाड़ी का आप ध्यान रखोगे? ठीक है, मैं आपसे आके मिलता हूँ, गाड़ी का ध्यान रखना ठीक है। हाँ हाँ, मारे मारे। चलो बाय कर दो। बाय। अच्छा ये है क्या भैया? ये फुल बादाम है। हाँ जी फुल बादाम का है। शाही शीरमा। शाही शीरमा। शाही शीरमा। आगे देखो भाई। ये कितने का था जो आपने खिलाया? 40 वाला है। 40 का है ये? आप पैक कर दो। 15 डेज फ्रेश रहता है। 8 से 15 डेज फ्रेश रहता है। 15 दिन तक आप कभी भी खा सकते हैं इसको, कहीं भी रख सकते हैं विदाउट फ्रिज। अगर फ्रिज में लगा दोगे 2 महीने ओवन में गर्म करके खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हो। नहीं
इसका यही तो टेस्ट है इसका, कि जब आप ओवन में इसको रखेंगे तो यही टेस्ट आ जाएगा। अंकल आपको यहाँ पे आके फ्री डेमो भी देते हैं इतने सारे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अलमायदा, जिसे बोला जाता है पहलवान की चंगेजी भी, और ये बहुत ही फेमस चंगेजी है। मैंने खा रखी है रवि के साथ, राहुल तो बचपन से खाता आ रहा है, इन दोनों ने पहली बार ही खा रहे हैं ये लोग यहाँ की चंगेजी। मेरे घर वाले देखेंगे चंगेजी खाते हैं और वहीं बेहोश हो जाएंगे। हाँ तो अब वेट कर रहे हैं आने का। हमने क्या क्या ऑर्डर किया है? तो चंगेजी ऑर्डर कर दिया है मैंने, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि आपको सारे चिकन लवर्स को जरूर एक डिश दिखाऊंगा आज, और आप सबको बहुत पसंद आएगी। अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ मलाई टिक्का मिलेगा क्या? नहीं, बंद हो, खत्म हो गया। जिस डिश की मैं बात बता रहा हूँ, इसकी ग्रेवी, इसका मसाला, इसका चिकन तंदूरी जो इसमें डाला होता है, लाइक अमेजिंग। यहाँ आके जरूर खाना, रिक्वेस्ट है जितने भी चिकन लवर्स हैं, यू विल लाइक इट फॉर श्योर। बहुत ही अमेजिंग। अब खाना आ जाए तो मिलते हैं, और होपफुली हमें और भी चीजें खाने को मिल जाए। अगर वो टेस्टी नहीं हुआ, कुछ भी गबला हुआ, तो थ्री फोर डाल दो। हरामजादे, काठिया की गिरफान पर हाथ डाला तू। गाइस आप खा, जब आप खाने आओगे ना, खा के ऐसे कमेंट सेक्शन में ना मुख्य बना के देना इन तीनों को। गाइस जिनको नहीं पता ना, वो सब यही बोलेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी नॉनवेज लवर्स हैं, चिकन जिनको खाना है, अगर आप इस एरिया में आए हो, जामा मस्जिद में आए हो, सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ सोचे किसी शॉप पे आना। फेमस है पहलवान की चंगेजी, नाम फेमस है और नाम भी है अलमायदा, और चिकन चंगेजी का टेस्ट इससे अच्छा कहीं है ही नहीं। आपने बहुत ब्लॉगर्स देखे होंगे जो दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने ना ढंग से जामा मस्जिद एक्सप्लोर ही नहीं करा, उन्होंने बार बार से दिखाया ये है दिस इज कोर, ये है रॉयल एकदम, दिस इज कोर ऑफ जामा मस्जिद। भैया चंगेजी आ रही है और हमें खा दी हुआ है, पहले हम खा रहे हैं, हम पांच बंदे आ गए हैं, पेमेंट वेमेंट तो हमने कर दी है, मैंने कर दी है। अच्छा मैं चिकन खा रही हूँ, मेरे ख्याल से कम से कम 11 टाइम बाद चिकन खाए हो गया, मेरे को लग रहा है 7 साल। आज ये मेरा बड़ा भाई मेरे को ले आया है यहाँ पे, तो आज मैं नहीं रुकने का, आज मैं खा रही हूँ चिकन चंगेजी अपनी, जिसको मैं दिलो जान से प्यार करता था 2015 में, आज दोबारा मौका मिल गया है, प्यार दोबारा हो गया है। बड़े भैया भी बैठे हैं मेरे साथ, आज चिकन चंगेजी चलेगी। यार हम लोग अभी तक अपने खाने का वेट कर रहे हैं, खाना नहीं आया, हमें 20 मिनट हो गए वेट करते करते, कितना गर्म करेगा वो खाना एकदम कर रहा है, ये कितना गर्म करेगा मेरे बड़े भैया। अरे मेरे भैया खाना लेके हमारे सबके लिए, भैया रख दो। चंगेजी आ गई है भाई, तंदूरी तंदूरी। फाइनली एक दुकान मिल गई जो खुली हुई है, अब शाही टुकड़ा खाएंगे हम लोग, क्या चैन मिलने वाला है उसके बाद हमें। मैंने एक आइसक्रीम के साथ शाही टुकड़ा लगवाया और एक साथ में रबड़ी के साथ। मैंगो आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है, ये बेस्ट चीज है यहाँ की, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है यहाँ पे। घर आ चुके हैं और बहुत थक गए, सुबह से बाहर निकले हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब करो और होपफुली आपको ये वीडियो और ये मेहनत अच्छी लगे। गाइस ये मेरी अब की बार खुली धमकी है आप लोगों को, अगर तुम लोग नहीं माने ना, मैं अगला व्लॉग सिर्फ यही बोलते बनाऊंगा 9 मिनट का। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो याद से।
चंगेजी जरूर खाइएगा, मोहब्बत का शरबत जरूर पीजिएगा, और सबके सब मैंगो वाले आइसक्रीम जरूर खाइएगा, शाही टुकड़ा मत भूलिएगा। गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय।